अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे सुशील चंद्र अब अपना ही फादर बन गया है और सुबल चंद्र जो है वो एक छोटा बच्चा बन गया है। तो सुशील चंद्र ने बहुत सारी टॉफ़ीज़ मंगाई लेकिन अब उसका खाने का मन नहीं किया, और साथ के साथ ही उसने सुबल चंद्र को भी नहीं दी क्योंकि इतनी सारी टॉफ़ीज़ खा के तो वो बीमार हो जाएगा। सो हुआ क्या, ऑल दी लिटिल बॉयज़ हु हैड प्लेड कबड्डी विद सुशील टिल यस्टरडे केम एज यूजुअल सॉ दी ओल्ड मैन एंड रैन अवे। वो जो लड़के उसके साथ रोज़ कबड्डी खेलते थे वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे तो वो बूढ़ा बंदा बैठा है, वो उसका फादर ही होगा, वो वहाँ से चले गए। सुशील हैड ऑलवेज थॉट ही वुड प्ले कबड्डी विद हिज फ्रेंड्स ऑल डे लॉन्ग एज फ्री एज हिज फादर, बट नाउ द साइट ऑफ देम ओनली इरीटेटेड हिम। आई एम सिटिंग इन पीस ही थॉट एंड हेयर कम दीज बॉयज़ टू बॉदर मी। अब हुआ क्या, वो सोचता तो ये था कि बड़ा हो जाऊँगा, सारा सारा दिन कबड्डी खेलूँगा दोस्तों के साथ जब मैं अपने फादर जितना फ्री हो जाऊँगा, लेकिन अब वो आए ना तो उसको इरीटेशन हो रही है, क्यों आ गए यार, आराम से मैं बैठा था, मेरे को तंग करेंगे, बॉदर मी मीन्स तंग करेंगे। ऑन दी अदर हैंड सुबल चंद्र क्या था, सुबल चंद्र हैड दी हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द पोर्च ऑन इज मैट ईच डे एंड थिंक वेन आई वॉज यंग आई वेस्टेड माई टाइम इन मिसचिफ इफ़ आई गेट माई चाइल्ड हुड बैक आईड शट माई सेल्फ इन माई रूम एंड स्टडी क्वाइटली ऑल डे लॉन्ग। अब जो उसके फादर थे असल में वो क्या सोचते होते थे सारा दिन पोर्च पर बैठ के, यार जब मैं छोटा था मैंने बिल्कुल अपनी पढ़ाई नहीं की, मैं सारा टाइम शरारतों में वेस्ट कर दिया, तो अगर अब मेरे को चाइल्ड हुड मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, सारा दिन कमरे में बंद करके चुपचाप पढ़ाई करूँ। पर हुआ ऐसा कि नहीं, बट आफ्टर गेटिंग हिज चाइल्ड हुड बैक ही डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल। सुशील वुड आस्क हिम इन द मॉर्निंग, बाबा वोंट यू गो टू स्कूल। सुबल वुड स्क्रैच हिज हेड लोअर हिज आइज एंड से आई हैव गॉट टमी एक आई कांट गो टू स्कूल। सुशील वुड ग्रो एंग्री एट दिस, ओ कांट यू, आई ऑल्सो हैड लॉट्स ऑफ टमी एक्स इन माई डेज वेन इट वॉज माई टाइम टू गो टू स्कूल, आई नो योर ट्रिक्स। तो होता गया था उसने वो जब अब जो फादर बन गया हुआ है सुशील, वो उसको रोज़ उठाता था स्कूल नहीं जाना, तो जो अब बच्चा बना है सुबल वो क्या कहता था, नहीं नहीं मेरे ना पेट में दर्द है, तो सुशील को गुस्सा आता था, अच्छा मेरे भी तो पेट में दर्द होता था तब तो मैं जाता था, मेरे को सारी ट्रिक्स आती है, चुपचाप स्कूल जाओ। तो सुशील बिगैन सेंडिंग हिज फादर टू स्कूल बाय फोर्स मीन्स ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। ऑन रिटर्निंग होम सुबल वॉन्टेड टू रन अबाउट एंड प्ले, बट एट दैट टाइम ओल्ड सुबल वॉन्टेड टू पुट ऑन इन हिज ग्लासेस एंड रीड अलाउड फ्रॉम द रामायण इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस। तो अब वो घर आके सुबल का मन होता था मैं इधर उधर घूमूं फिरूं खेलूं, लेकिन ओल्ड सुबल जो था वो क्या करता था, उसका क्या मन करता था कि अपनी ग्लासेस मतलब अपनी एनके पहने और ऊंचा सारा रामायण पढ़े इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस, मतलब जैसे हम गा गा के पढ़ते हैं। सुबल्स नॉइजी गेम्स डिस्टर्बड हिम, तो उसकी वो जो नॉइजी गेम्स होती थी वो उसको डिस्टर्ब करती थी, तो वो सुबल को अपने साथ बिठा लेता था स्लेट रख के और अपने सम्स कराता था। दे वर सच लॉन्ग सम्स दैट इज़ फादर टुक अ होल आर टू डू अ सिंगल वन, इतने लंबे सम होते थे ना कि उसके फादर को पूरा एक घंटा लग जाता था एक सम करने में। इन द इवनिंग्स अ ग्रुप ऑफ मैन गैदर्ड इन सुशील्स रूम टू प्ले चेस। टू कीप सुबल क्वाइट एट होम सुशील हायर्ड अ ट्यूटर हु केप्ट सुबल बिजी टिल 10 एट नाइट। क्योंकि वो पढ़ना चाहता था उन्होंने क्या किया, सुशील के लिए एक ट्यूटर हायर किया, और ताकि वो जो है सुबल सुशील ने एक ट्यूटर हायर किया ताकि सुबल जो है रात को 10-10 बजे तक बिजी रहे और ताकि सुशील अपने दोस्तों के साथ ओल्ड मैन के साथ चेस खेलता रहे। अब ओल्ड सुशील जो था जो अब बड़ा हो गया था, ही टू गॉट इन टू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स, अजीब अजीब हरकतें, नथिंग ही हैड लाइक्ड एज अ चाइल्ड अग्रीड विद हिम एनी लॉन्गर। जो भी चीज़ें उसको बचपन में खाना खेलना करना पसंद था, इट डिड नॉट अग्री, मतलब अब उसको सूट नहीं करती थी। ही यूज टू टेक अ डिप इन द पॉन्ड, ऑन डूइंग इट नाउ हिज जॉइंट्स ग्रू स्टिफ एंड स्वोलन एंड ही गॉट र्यूमेटिज्म दैट टुक 6 months टू क्योर। तो अब जैसे ही वो पॉन्ड में छलांग लगाता था उसके जॉइंट्स जो होते थे वो स्टिफ मतलब अकड़ जाते थे, स्वोलन सूज जाते थे, और उसको र्यूमेटिज्म छींके छूके आनी शुरू हो जाती थी, जिस जो 6 महीने लग जाते थे क्योर होने में, ठीक होने में। आफ्टर दैट ही बेद वंस और एवरी 2 days विद वार्म वाटर एंड डिड नॉट लेट सुबल बेद इन द पॉन्ड ईदर। तो उसने क्या करना शुरू किया, 2 दिन में एक बार नहाना शुरू कर दिया, वो भी गर्म पानी से, और सुबल को भी पानी में जाने से मना कर दिया। अब बचपन में क्या होता था, वो बेड में से उठता था छलांग मार के, सो इफ़ ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एज ही हैड डन एज अ चाइल्ड ऑल हिज बोन्स वुड एक। अब वो छलांग लगाता था तो उसकी सारी हड्डियाँ दर्द होने लग जाती थी। नो सूनर डिड ही पुट अ पान इन हिज माउथ देन ही फाउंड ही हैड नो टीथ टू च्यू इट विद। वो मुँह में पान डालता था तो उसको याद आता था, ओहो मेरे तो दांत भी नहीं है, चबाऊँगा कैसे। By chance if he took up a comb he would be reminded that he had no hair left। By chance कंघी करने के लिए कॉम्ब उठाता था तो उसको याद आता था ले यार बाल ही नहीं है।
सुबल चंद्र जो अब बच्चा हो गया था वो भी भूल जाता था, कभी कभी उसको भूल जाता था कि मैं अब कितना यंग हूँ. सो ही इमेजिन इमेजिनिंग हिमसेल्फ टू बी एज ओल्ड एज बिफोर, ही वुड टर्न अप एट ओल्ड मैंस गैदरिंग वेयर दे वर प्लेइंग कार्ड्स और डाइस एंड बिगेन टू टॉक लाइक अ ग्रोन अप. वो करता गया तो उसको लगता था वो मैं पहले जैसा ही हूँ. वो जो बूढ़े बंदे बैठते हैं ना जैसे साथ में, वो उनके पास पहुँच जाता था जहाँ वो कार्ड्स या डाइस या कुछ भी खेल रहे होते थे, वो वहाँ जाके उनके साथ बड़ों जैसी बातें करने लग जाता था. तो वो उसके कान बंद करके उसको कह रहा है भाग भाग तू जाके खेल, तू तो बच्चा है, तू क्या बड़ों जैसी बातें कर रहा है. एट लास्ट सुबल बिगैन टू प्रे अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब पूरी शिद्दत के साथ, इफ़ ओनली आई वर एज ओल्ड एज माई सन सुशील एंड फ्री टू डू वॉट आई लाइक. और उधर सुशील वुड प्रे, ओ लॉर्ड मेक मी एज यंग एज माई फादर सो दैट आई माइट प्ले अगेन एज मच एज आई वॉन्ट टू. आई कॉन्ट कंट्रोल माई फादर एनी मोर, ही हैज़ बिकम वेरी नॉटी एंड आई एम वरीड अबाउट हिम ऑल द टाइम. अब दोनों परेशान हो गए. सुबल क्या कर रहा है, काश मैं फिर से अपने बेटे जैसा बड़ा हो जाऊँ और मैं जो मर्जी कर सकूँ. और सुशील प्रे करता था मेरे को अपने फादर जितना बच्चा ही कर दो ताकि मैं फिर से खेल सकूँ, मेरे से अपना फादर नहीं कंट्रोल हो रहा, वो तो बहुत नॉटी हो गया और मेरे को हर समय उसकी फिक्र होती रहती है. फिर लेडी ऑफ विशेज़ आई, उसने पूछा अच्छा भाई हैव यू हैड इनफ ऑफ योर विशेज़, बहुत हो गया तुम्हारी विशेज़ का. दोनों फादर एंड सन ने उसके सामने अपने सिर झुका ले, दे बोर्ड देयर हेड्स एज लो एज अर फीट, मतलब उसके पैरों के सामने माथा टेका और कहा यस मदर, हाँ माता जी वी हैव हैड इनफ, प्लीज़ टर्न अस बैक इन टू वॉट वी वर बिफोर, हमें वापस पहले जैसा बना दो. ऑल राइट शी सेड, यू विल बोथ बी योर सेल्व अगेन टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह आप फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबल वॉज द सेम ओल्ड मैन एज बिफोर एंड सुशील वोक अप एज द लिटल बॉय ही यूज्ड टू बी. Both imagined they had been dreaming. Subal called his son and said, Sushil, aren't you going to start learning your grammar? Sushil scratched his head and said, Father, I've lost my book. तो हुआ क्या, अगले दिन दोनों अपने अपने रूप में वापस हो गए और दोनों को ये लगा कि जैसे ये जो दिन बीते हैं ये एक सपना था. तो सुबल ने अपने बेटे को बुला के कहा हाँ बेटा फिर तूने अपनी ग्रामर लर्न करनी शुरू नहीं करनी? तो वो फिर से उसने अपनी ट्रिक्स निकालनी शुरू कर दी, फादर मेरी तो किताब ही गुम गई है मैं कैसे करूं? तो कहीं जो मर्जी जाए, आई विश ऐसा हो विश वैसा हो, जो टाइम अब हमारे पास है वही टाइम बेस्ट है, उसी टाइम का पूरा फ़ायदा उठाओ, उस टाइम को पूरी तरह से इंजॉय करो, क्योंकि एक बार अगर ये टाइम चला जाएगा तो ये टाइम वापस नहीं आएगा. थैंक यू.